हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था कि जब कोई वस्तु किसी गति करती है उस कारण जो उसमें ऊर्जा रहती है वो कहलाती है गतिज ऊर्जा. व्हेनेवर अ बॉडी इज इन मोशन द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको डेराइव किया था. दैट वॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. मान लीजिए कोई वस्तु किसी गतिमान थी, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई. तो वेलोसिटी चेंज होने के बाद उसमें वर्क, फिर गतिमान थी, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और फिर वो और ज्यादा वर्क करने लगता है. तो मैंने बताया था कि जब कोई चीज वेलोसिटी अगर दोगुनी बढ़ेगी तो वर्क हमारा चार गुना, यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी जो ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो चार गुना बढ़ जाती है. क्योंकि वो उसके स्क्वायर एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि अगर ट्वाइस होगा तो अगर वेलोसिटी या वेग डबल होगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी चार गुना बढ़ जाएगा. तो उस समय हमारे उस दोनों प्रारंभिक में क्या था ऊर्जा उसकी और अंतिम में क्या हुई ऊर्जा उसकी, उसके बीच में जो संबंध होता है वो होता है कार्य ऊर्जा संबंध या रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. तो वो हम निकाल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम जो गतिज ऊर्जा है माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा. ठीक है, सो आई टोल्ड यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा. तो मान लीजिए अंतिम वेग हमारा v था और मास बॉडी का m है, तो उस समय गतिज ऊर्जा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा. और अगर प्रारंभिक वेग हमारा u है, उस समय हमारी गतिज ऊर्जा हाफ एम यू स्क्वायर है. तो दोनों का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, ये इसको हम बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू हाफ एम कॉमन ले लें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो ये हमारा हो जाता है रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, ये कहलाता है. ठीक है, आज हम शुरू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मैंने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा किसी बॉडी में उसकी जो पर्टिकुलर स्थिति है या स्टेट है. जैसे कि आप कोई बॉल को ऊपर छत पे लेकर बैठे हुए हैं, फिर जब तो उसमें वो अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम कर रहा होता है. क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे आ जाती है. तो वो वहां पर अगर रुका है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वो कुछ काम कर रहा है, इसलिए वो वहां पर रुका हुआ है. कोई बॉल है आपने ऊपर पकड़ा हुआ है छत पे जाकर, तो जब वो उसको छोड़ा जाता है तो उस समय जो उसकी ऊर्जा होती है, जब वो ऊपर है लटका हुआ है टंगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है उस समय उस बॉडी में दैट इज कॉल्ड काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा. क्योंकि वो एक रुकी हुई बॉडी है और उसमें जो उसकी स्टेट के कारण जो ऊर्जा है वो, या तो आपने कोई स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग को खींच के पकड़े हुए हैं, तो जब तक खींचा गया उसमें उसने ऊर्जा अपने अंदर संचित कर ली, अपने अंदर इकट्ठा कर ली. वो जब आप उसको स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो उसमें उसके अंदर जो एनर्जी है वो उसको स्प्रिंग को वापस अपने स्टेट में ले आने के लिए वर्क करेगा.
तो जब आपने खींच कर पकड़ा हुआ है, इन दैट केस वो उसमें जो ऊर्जा है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो उसको उसका फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे आज, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है या स्थितिज ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट और स्ट्रेन्ड कंडीशन। स्ट्रेन्ड कंडीशन मीन्स खिंची हुई कंडीशन। वस्तुओं में उनकी स्थिति अथवा विकृत अवस्था, विकृत अवस्था वही है खिंची हुई या कोई उस पर प्रेशर है, के कारण जो ऊर्जा संचित होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक। अब एग्जाम्पल है, इफ अ बॉडी इज ऑन अर्थ इट हैज नो पोटेंशियल एनर्जी। उसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, वो हिल नहीं रही है, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसके उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होगी, नाइदर काइनेटिक एनर्जी नॉर पोटेंशियल एनर्जी, एज इट इज नॉट एबल टू वर्क ऑन इट्स ओन। वो विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स कोई भी बॉडी काम नहीं कर रही है, नहीं करेगी। तो यदि वस्तु m जिसका मास है धरती से कुछ ऊंचाई h पर हो तो उसमें गुरुत्वीय बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके वजह से जो उसमें काम करने की क्षमता होती है या कैपेसिटी ऑफ वर्क होता है दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स उस केस में क्या हो जाएगा? आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उस समय जब कोई चीज अर्थ से ऊपर जा रही है तो उस समय एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो उस केस में उस पर जो लगा फोर्स है वो क्या हो जाएगा? मास इनटू जी। तो इन दैट केस वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा हो गया एम इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट हमारा हम एच ऊंचाई पर ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा एच हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में हो जाती है एम जी एच। और पोटेंशियल एनर्जी भी का यूनिट भी जूल होता है। ठीक। किसी ऊंचाई पर स्थित झरने के जल में या दबी हुई स्प्रिंग, दबी हुई या खिंची हुई स्प्रिंग में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो खींचकर जब एक पोजीशन तक पकड़े हुए हैं तो उसने उस वहां तक आने में अपने अंदर एनर्जी को सेव कर लिया है, वो कहलाती है उसकी स्थितिज ऊर्जा। या आप स्प्रिंग को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करके रखे हुए हैं तो उसमें जो ऊर्जा संचित हुई, स्टोर हुई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कई फॉर्म के होते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि आप अर्थ से ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो आप एनर्जी अप्लाई करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वस्तु जाती है जब कोई वस्तु काम करती है तो उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर उठाने में गुरुत्वीय आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल पुल और फोर्स के अगेंस्ट जो कार्य किया जाता है वह उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसा हमने कहा कि आप कोई बॉल है उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसमें जो एनर्जी होगी जो ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो काम कर रही होगी एनर्जी वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सेकंड है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होता है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो आपको आपको पता है कि जो सेम इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इजंट इट? तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सेम चार्जेस होते हैं उन या जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे, ये सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अगर हम इनको पास ले आएं एक दूसरे को, तो इनके जो रिपल्शन है उसके अगेंस्ट जो हम वर्क कर रहे हैं, ये काम करेंगे दूर जाने का, और हम इन्हें अगर पास लाने की कोशिश करेंगे तो उस वजह से जो उस जो उनमें जो एनर्जी रहती है उसके अगेंस्ट वो काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो उसके कारण जो उसमें एनर्जी रहती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। या जो अलग अलग चार्जेस हैं वो एक दूसरे के पास आने को, अगर हम उनको दूर ले जाएंगे तो हम उनका जो अपना एक स्टेट ऑफ वर्क डन है वो है एक दूसरे के पास आना। जब हम उनको उसके अगेंस्ट काम करेंगे तो उसमें जो एनर्जी उसमें होती है, जो उसमें एनर्जी रहती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी तीसरा फॉर्म होता है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी जो एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसके कारण जो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो होती है उसकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर मींस परमाणविक संरचना, बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर द एनर्जी विच इज देयर इज पोजेस्ड बाय द एटम्स इनसाइड देम इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, उसमें जो ऊर्जा होती है वो होती है रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। फिर उसमें जो वर्क होता है उसके बाद वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है,